न्यायों की पुस्तक अध्याय 11। न्यायों की पुस्तक अध्याय 11। इप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेशा का बेटा था और गिलाद से इप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इप्तह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इसराइलियों से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इसराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्तह को तोब देश से ले आने को गए और इप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। इप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और इप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सन्मुख कह सुनाई। तब इप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहलवा भेजा कि मुझे तुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है? अम्मोनियों के राजा ने इप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यर्दन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहके दूत भेजे कि इप्तह तुझसे यो कहता है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनिय का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे और एदोम के राजा ने उसकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी न माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश की पूर्व ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब के सिवाने के भीतर न गया, क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था। फिर इस्राएल ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास जो हेशबोन का राजा था दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे, परंतु सिहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर अपने डेरे सहित यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सिहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार दिया, इसलिए इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकार हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यर्दन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने
अपनी इस्राएली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है, फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कामोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इसराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इसराइल हेशबोन और उसके गांव में और अरोएर और उसके गांव में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने इप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। तब इप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और वह अरोएर से ले मिन्नित तक, जो 20 नगर है, वरन आबेल करामिम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इसराइलियों से हार गए। जब इप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डह बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू ही मेरे कष्ट देने वाले में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमूल्य शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह दिया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रख, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इसराइलियों में यह रीति चली कि इसराइली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थीं।